नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केबीसी स्टेट में। मैं हूँ आपका दोस्त भगत सिंह और मैं आपके लिए हर रोज़ नई नई प्रॉपर्टीज़ लेके आता रहता हूँ। तो आपसे विनम्र विनती है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, आज का जो हाउस होने वाला है वो 4 BHK होने वाला है एंड इसकी प्रॉपर लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये जगतपुरा में 7 नंबर बस स्टैंड के पास में कुसुम विहार में स्थित है। दोस्तों, हाउस के एलिवेशन की अगर हम बात करें तो काफ़ी प्यारा और अट्रैक्टिव एलिवेशन अपने को यहाँ पर मिल रहा है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, हाउस के फ्रंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको 25 फीट का फ्रंट मिल जाता है और डेप्थ की अगर मैं बात करूँ तो इसकी 40 फीट की डेप्थ है। ये 111 गज़ के अंदर बना हुआ है। दोस्तों, आयरन का जो गेट बना हुआ है इसकी मोटाई से आप पता लगा सकते हैं कितना मोटा है। ये बहुत भारी गेट यहाँ पर दिया गया है, चोर भी कुछ नहीं उखाड़ सकता। बहुत ही प्यारा सा यहाँ पर अपने को गेट मिल जाता है। अब इसके बाद में इसका पोर्च एरिया आ जाता है। पोर्च एरिया की साइज़ की अगर हम बात करें तो 8x13 की इसकी काफ़ी शानदार साइज अपने को मिलने वाली है। बहुत ही प्यारा पोर्च एरिया यहाँ पर मिलने वाला है। साथ में अपने को वाटर प्रिविजन टैंक दिया गया है। इसकी क्षमता की अगर हम बात करें तो 6000 लीटर का ये वाटर टैंक है। एंड अगर इस साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अपने को एक और लॉबी मिल जाती है, मतलब कि एक और एंट्री अपने को मिल जाती है इस हाउस की। दोस्तों, हम बात करें पोर्च एरिया के ऊपर, जो आप छत देख रहे हैं इस छत के अंदर काफ़ी शानदार कलर किया गया, वुडन कलर किया गया है और बहुत ही प्यारा अट्रैक्टिव लुक अपने को दे रहा है। ये काफ़ी अच्छे वुडन का बना हुआ है एंड काफ़ी मजबूत है। आप इसकी मोटाई देखकर, इसकी विड्थ देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों आ जाता है ये मेन गेट। मेन गेट काफ़ी शानदार यहाँ पर बना हुआ है, बहुत ही प्यारा ये मेन गेट है एंड इसके ऊपर जो सनमाइका लगाई गई है वो पूरे कलर कॉम्बिनेशन को देखते हुए इसके ऊपर लगाई गई है। तो इसके बाद में हम बात करते हैं इसके हॉल की। हॉल साइज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको 15x15 का काफ़ी शानदार हॉल मिल जाता है। काफ़ी ह्यूज साइज इसकी होने वाली है। साथ में ही अपने को इस साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके लिए पूजा रूम की व्यवस्थाएं, यहाँ पर आपके लिए पूजा रूम की व्यवस्थाएं बनाई गई है एंड ऊपर की तरफ जो आप फॉल सीलिंग देख रहे हो दोस्तों, इस फॉल सीलिंग के अंदर भी वुडन का वर्क करके, वुडन कलर करके दिया जा रहा है। काफ़ी अच्छी बात है, बहुत ही प्यारा लुक अपने को ये दे रहा है। एंड इस साइड की अगर हम बात करें तो ये जो शानदार सा यहाँ पर टेक्सचर का उपयोग किया गया है, यहाँ पर दोस्तों वॉलपेपर नहीं है, एक टेक्सचर है, काफ़ी अच्छा और काफ़ी प्यारा लुक अपने को यहाँ पर मिल रहा है। साथ में AC का पॉइंट अपने को दिया गया है। इसके बाद में दोस्तों हम बात कर लेते किचन की। किचन की साइज की अगर हम बात करूँ तो काफ़ी ह्यूज साइज के अंदर ये बना हुआ है, आप देख सकते हैं। काफ़ी शानदार, काफ़ी बिग साइज के अंदर आपको ये किचन मिलने वाला है और कंप्लीट हाइड्रोलिक ये किचन मिलने वाला है। इसके रैक्स वगैरह सब की सब चीज़ें यहाँ पर अपने को हाइड्रोलिक मिलने वाली है। सबसे खास बात है दोस्तों कि इसके अंदर आपको जगुआर कंपनी की, इसके अंदर आपको जगुआर कंपनी की फिटिंग मिलने वाली है। एंड उसके बाद में अगर वेंटिलेशन एरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके सामने विंडो दी गई है जिससे कि अपने को प्रॉपर सनलाइट वेंटिलेशन मिलता रहेगा। एंड साथ में दोस्तों चिमनी के लिए जगह भी, चिमनी के पाइप के लिए भी यहाँ पर जगह दी गई है, स्पेस दिया गया है। किचन की एंट्री के ऊपर यहाँ पर आपको फ्रिज लगाने की व्यवस्था दी गई है। काफ़ी शानदार स्पेस यहाँ पर अपने को फ्रिज के लिए दिया गया है, काफ़ी सारे विलाओं में मिलता नहीं है। दोस्तों, विला के प्राइस की अपन बात कर लेंगे लेकिन उसके पहले अपन एक बार ये जो ड्राइंग एरिया है वो हम आपको दिखा देते हैं। 10x10 की इसकी साइज होने वाली है, काफ़ी शानदार ये साइज के अंदर बना हुआ है। होल सेलिंग आप देख रहे हैं, काफ़ी प्यारा सा यहाँ पर लुक होल सेलिंग को दिया गया है। एंड जो साइड में आप जो वुडन कलर देख रहे हैं ये भी काफ़ी अच्छा और अट्रैक्टिव लुक अपने को दे रहा है। साथ में दोस्तों यहाँ पर अपने को विंडो मिल जाती है वेंटिलेशन के लिए। एंड अगर हम बात करें जहाँ से इसका एंट्रेंस था, जैसे मेन गेट हुआ, वहाँ पर इस साइड दोस्तों इसके अंदर टफन ग्लासेस का उपयोग किया गया है। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आपसे विनम्र विनती है, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी के प्राइस की, लेकिन उसके पहले हम आपको इसका जो नीचे का बेडरूम है वो दिखा देते हैं। काफ़ी प्यारा, काफ़ी अच्छी साइज, 14x10 की साइज के अंदर ये काफ़ी प्यारा सा बेडरूम अपने को इस विला के अंदर मिल जाता है। साथ में ही अपने को अगर हम बात करें तो इसके अंदर अपने को चेंजिंग रूम भी मिल जाता है। इसकी साइज काफ़ी अच्छी है, काफ़ी प्यारा और अट्रैक्टिव तरीके से बनाया गया है। स्लाइड जो डोर है वो इसके अंदर उपयोग में लिए गए हैं और जो आप सामने की तरफ ग्लास देख रहे हैं वो भी काफ़ी प्यारा है।
दोस्तों इस रूम के अंदर भी आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो यहाँ पर मिलने वाली है, या फिर आप इसके पीछे की तरफ आप अपना कूलर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ में आपको यहाँ पर एसी का पॉइंट दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसके प्राइस की। काफी उत्सुक होंगे आप इसका प्राइस जानने के लिए। इसके डायमेंशन एक बार फिर से बता दूं मैं, 25x40, 111 गज के अंदर ये बना हुआ है। 25 का फ्रंट है, 40 की डेप्थ है। इसकी जो प्राइस होने वाली दोस्तों वो सेमी फर्निश की होने वाली है, 1,25,00,000 रुपए। एंड जेडी अप्रूव्ड है ये, सेपरेट पट्टे में अवेलेबल है, वाटर सीवरेज की सुविधाएं हैं। दोस्तों इस विला की जो प्राइस होने वाली है वो 1,25,00,000 रुपए होने वाली है। काफी शानदार साइज के अंदर बना हुआ ये विला है। चलिए दोस्तों इसके अलावा हम आपको दिखा देते हैं इसका लेट बाथ। लेट बाथ के अंदर आपको कंप्लीट जगवार कंपनी की फिटिंग मिलने वाली है। काफी शानदार, काफी ह्यूज साइज के अंदर, 6x8 के साइज के अंदर ही अपने को लेट बाथ मिल जाता है। साथ में दोस्तों अपने को वेंटिलेशन की जो सुविधा है वो अपने गेट के पीछे की साइड में है। जो वेंटिलेशन की सुविधा है दोस्तों वो अपने इस साइड में दी गई है। शॉवर है वो भी जगवार कंपनी का लगाया गया है। जो नल है, जो फिटिंग है, कंप्लीट जितनी भी फिटिंग है दोस्तों इसके अंदर वो कंप्लीटली जगवार कंपनी की लगाई गई है। एंड इसके बाद में हम बात कर लेते हैं इसके बालकनी की। इसके बात करते हैं इसके वॉशिंग एरिया की। तो इस साइड भी दोस्तों आपको दो गेट दिए गए हैं, एक तो जाली का और एक वुडन का, जो काफी प्यारा यहाँ पर लग रहा है। साथ में वॉशिंग एरिया की साइज की अगर बात करें तो ये 5x10 की काफी शानदार इसकी साइज होने वाली है। साथ में अगर ऊपर से पर बात करें तो यहाँ पर अपने को प्रॉपर वेंटिलेशन मिलता रहेगा। प्राइस जैसे कि मैंने आपको बताई दी है दोस्तों। उसके बाद में आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए हर रोज एक नई प्रॉपर्टी पोस्ट करते रहे हैं। अब जब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो दोस्तों हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों बात कर लेते हैं इसके स्टेयर्स की। स्टेयर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको ग्रेनाइट की स्टेयर्स मिल जाती है। एंड जो रेलिंग लगी हुई दोस्तों ये स्टेनलेस स्टील की लगी हुई है। साथ में इसके अंदर आपको यहाँ पर टफन ग्लास मिल रहा है, काफी प्रीमियम क्वालिटी का टफन ग्लास मिल रहा है दोस्तों। और जो स्टेनलेस स्टील की जो रेलिंग आप देख रहे हैं ये SS जिंदल की स्टेनलेस स्टील की रेलिंग है। साथ में दोस्तों काफी शानदार आप इसके अंदर स्पेस देख पा रहे होंगे, सीढ़ियों के अंदर काफी अच्छा स्पेस यहाँ पर अपने को मिल रहा है। दोस्तों जो सामने की तरफ आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा यूनिक सा डिजाइन यहाँ पर अपने को दिया गया है, और शानदार कलर के साथ में ये अवेलेबल है। साथ में दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके जो फर्स्ट फ्लोर का हॉल है उसकी। फर्स्ट फ्लोर के हॉल साइज की अगर हम बात करें दोस्तों तो 12x15 के अंदर काफी शानदार ये हॉल साइज दी गई है। इसके बाद में दोस्तों अपन जस्ट नाउ फॉल सीलिंग की अगर हम बात करते हैं तो फॉल सीलिंग के अंदर आपको दोस्तों वुडन कलर यहाँ पर दिया गया है। एंड इस साइड की अगर बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपको डार्क वुडन कलर दिया गया है। दोस्तों ऊपर के लेट बाथ की बात कर लेते हैं, इसमें भी आपको कंप्लीट जगवार की फिटिंग दी गई है, और वही 6x8 की साइज यहाँ पर अपने को मिल रही है, काफी शानदार साइज के अंदर दी गई है। एंड इसके अंदर टाइल्स की अगर हम बात करें दोस्तों तो टाइल्स देखिए आप, पूरी हाइट तक यहाँ पर टाइल्स ली गई है। काफी सारे विलाओं के अंदर 7 फीट या 8 फीट तक ही लेते हैं, लेकिन इसके अंदर पूरी हाइट तक टाइल्स ली गई है। इसके बाद में बात करें दोस्तों इसके बैक साइड के एरिया की, वही सेम गेट आपको मिलने वाला है। एंड इसके बाद में आपको यहां पर दोस्तों वुडन कलर के अंदर टाइल्स मिल जाती है। ये वाला जो बैक साइड का आप एरिया देख रहे हैं ये नीचे वाले बैक साइड के एरिया से बड़ा है। इसकी साइज दोस्तों 5x15 की इसकी साइज होने वाली है। जो नीचे वाला जो बैक साइड का एरिया था उसका 5x10 का एरिया था। एंड ऊपर से आप प्रॉपर जो सनलाइट वेंटिलेशन देख रहे हैं दोस्तों। हॉल के अंदर टेक्सचर हमने आपको बताया नहीं था, तो टेक्सचर है प्रीमियम यहाँ पर अपने को फील दे रहा है, बहुत ही शानदार, बहुत ही लग्जरियस टेक्सचर अपने को यहाँ पर दिया गया है। साथ में अपने को एसी का पॉइंट भी मिल जाता है। अब हम बात कर ले दोस्तों इसके सेकंड बेडरूम की। सेकंड बेडरूम की साइज की अगर बात करूं तो वही नीचे वाली साइज है 10x14 की, इसकी काफी शानदार साइज होने वाली है। साथ में दोस्तों आपको इसके अंदर अलमीरा मिलने वाली है। अलमीरा की क्वालिटी की अगर बात करूं दोस्तों काफी शानदार इसकी क्वालिटी है। जो कलर कॉम्बिनेशन है दोस्तों पूरे विला के अंदर, पूरे हाउस के अंदर काफी शानदार सा अपने को कलर कॉम्बिनेशन दिया गया है। अब इधर बात कर लेते हैं, आप अलमीरा का कलर देखिए और ये जो वॉल है आप इसका टेक्सचर देखिए, दोनों के अंदर कितना कॉम्बिनेशन है। बहुत ही शानदार तरीके से इस घर को डिजाइन किया गया है। और फॉल सीलिंग की हम बात करें तो बिल्कुल नॉर्मल से फॉल सीलिंग यहाँ पर अपने को दी गई है। और साथ में इस साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अपने को वुडन
वुडन कलर की फिनिश के साथ में फॉल्स सीलिंग दी गई है। इसके बाद में दोस्तों मास्टर बेडरूम है, हम उसको 2 मिनट बाद में आपको दिखाएंगे। उसके पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे स्टडी रूम। दोस्तों हर घर में एक स्टडी रूम होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि जब आपके बच्चे पढ़ते हैं तो डिस्टर्ब ना हो, इसलिए इस विला के अंदर अपने को एक प्यारा सा स्टडी रूम दिया गया है, जिसकी साइज है दोस्तों 8x10 की इसकी साइज होने वाली है। इस साइड जो रैक्स हैं इसके अंदर कॉपी किताब रख सकते हैं आपके बच्चे। एंड ये जो टेबल बनाई गई है ये पूरी वुडन की बनाई गई है, काफी शानदार फिनिश के साथ में ये बनाई गई है। एंड इसके बाद में बात कर लेते हैं, लेकिन बालकनी दोस्तों हम आपको बाद में दिखाएंगे। फॉल सीलिंग दोस्तों इसके अंदर फॉल सीलिंग का जो कलर है वो काफी प्रीमियम दिया गया है, काफी शानदार फिनिश के साथ में ये दिया गया है। एंड जो लाइट्स का जो कॉम्बिनेशन है वो भी काफी प्यारा लग रहा है। इसके अंदर भी दोस्तों अपने को एसी का पॉइंट मिल जाता है। अब आ जाइए दोस्तों, हम आपको दिखाने वाले हैं इसका मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम की साइज की अगर बात करूं तो पहले आप गेस करके बताइए कितनी इसकी साइज होने वाली है। चलिए कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। इसकी साइज की अगर बात करूं दोस्तों 15x16 की इसकी काफी शानदार, काफी ह्यूज साइज होने वाली है। बहुत ही प्यारा ये मास्टर बेडरूम होने वाला है। साथ में आपको अटैच लेट बाथ भी मिलेगा। एंड जो पीछे की तरफ वॉलपेपर आप देख रहे हैं बहुत ही यूनिक डिजाइन के साथ में, रोजेस के टेक्सचर के साथ में काफी शानदार यह अपने को लग रहा है। एंड बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की जो ये अलमीरा है वो यहाँ पर अपने को इंस्टॉल करके दी गई है। और ये भी दोस्तों स्लाइड डोर के साथ में है। और एक और खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो आप इधर ग्लास देख रहे हैं, मिरर देख रहे हैं, इसके जस्ट पीछे आप अपना कोई भी मेकअप वगैरह का सामान रख सकते हैं इजिली। ये भी एक काफी अच्छा स्पेस यहाँ पर अपने को मिल रहा है। एंड स्पेस तो आपने काफी देखा होगा दोस्तों, ये मास्टर बेडरूम है इसका। इसके बाद में हम आपको दिखाना चाहेंगे इसका लेट बाथ। लेट बाथ की साइज की अगर बात करूं दोस्तों वही 6x8 की काफी शानदार साइज अपने को मिलने वाली है, काफी बढ़िया, काफी प्रीमियम। इसके अंदर जो टाइल्स लगाई है वो भी दोस्तों ऊपर तक लगाई गई है, काफी शानदार फिनिश के साथ में इसको बनाया गया है। आपको सभी बाथरूम्स के अंदर दोस्तों जगुआर कंपनी की फिटिंग मिलने वाली है। वेंटिलेशन के लिए अपने को यहाँ पर एक प्यारी सी विंडो दी गई है। एंड फॉल सीलिंग की अगर बात करें तो बहुत ही प्यारा और चॉकलेटी कलर के साथ में यहाँ पर अपने को फिनिश दी गई है। एंड हम बात करें दोस्तों इसके बालकनी की साइज काफी शानदार होने वाली है। ये जो बालकनी है दोस्तों ये मास्टर बेडरूम से भी अटैच है और जो स्टडी रूम है उससे भी अटैच है। आइए दिखाते हैं आपको, बहुत ही प्यारा इसका लुक होने वाला है। सामने ये आयरन की रेलिंग बनाई हुई है एंड साथ में ही जो यहाँ पर टफन ग्लास दिया गया है, साथ में जो गोल्डन कलर का वर्क किया गया है वो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा है। बालकनी की साइज की अगर हम बात करूँ तो यहाँ पर 5x20 की काफी शानदार ह्यूज साइज की बालकनी मिलने वाली है। और फ्रंट जैसे कि मैंने आपको बताया है, इसका 25 का फ्रंट है और 40 की डेप्थ है, 111 गज के अंदर ये विला बना हुआ है। इसके अंदर एक और खास बात है दोस्तों, वह है बेसमेंट। बेसमेंट में हम आपको जल्दी दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको दिखाएंगे इसका टेरेस। दोस्तों सीढ़ियों के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से ये जगह कवर की गई है, जहां पर आप अपना एक्स्ट्रा सामान भी रख सकते हैं। एंड इसके बाद में इसके टेरेस के ऊपर दोस्तों हम आ गए हैं। टेरेस के ऊपर भी दोस्तों आपको देख सकते हैं पूरी दीवार के अंदर आपको प्रोफाइल लाइट्स देखने को मिलेगी, जो कि काफी शानदार इसका लुक देगी। एंड जो टाइल्स लगी हुई है वो भी काफी प्यारी लगी हुई है। पूरे टेरेस का दोस्तों इसका व्यू देख सकते हैं आप इसके टेरेस का व्यू देख सकते हैं दोस्तों, काफी खूबसूरत है इसका टेरेस है। आप इसके अंदर ऊपर गार्डनिंग वगैरह कर सकते हैं, झूले वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे भी आपका मन मुताबिक आप इसके अंदर कुछ भी काम कर सकते हैं इन फ्यूचर के अंदर, या फिर जब भी आप इसको खरीदे तब। दोस्तों अब चलते हैं इसके बेसमेंट के अंदर। बेसमेंट के अंदर दोस्तों जो फ्लोरिंग आपको देखने को मिलेगी वो कम्प्लीटली मार्बल की मिलेगी, काफी शानदार और ह्यूज साइज के अंदर ये बेसमेंट मिलने वाला है। कम्प्लीट 25x40 के अंदर काफी शानदार साइज के अंदर बेसमेंट होने वाला है। आप इसको कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी इसके अंदर कर सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे गोदाम के रूप में देना चाहते हैं तो दोस्तों वो भी दे सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आई होप शायद वीडियो बहुत लंबा हो चुका होगा, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।